अमित रायपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कौन सी तमाम बड़ी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी और सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ आज का स्केड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन सह वितरण पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करेंगे, वो मुख्यमंत्री निवास से लगभग 11:15 बजे निकलेंगे और 11:30 बजे वह कार्यक्रम में पहुंचेंगे और 11:30 बजे इस कार्यक्रम का लोकार्पण करने के बाद वह नया रायपुर स्थित लोक सेवा आयोग के नव निर्मित भवन का लोकार्पण करने जाएंगे और वहां से वह बिलासपुर के दौरे पर निकल जाएंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज रायपुर, बिलासपुर और बालोद जिले में कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने का प्रोग्राम तय किया गया है, जिसके तहत यहां पर आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से 12:30 बजे के लगभग जो सहकारिता सम्मेलन से में शामिल होकर नया रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, नया रायपुर पहुंचकर वह वहां पर लोक सेवा आयोग के भवन का नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण करने के बाद वह वहां से बिलासपुर के लिए पुलिस मुख्यालय के हेलीपैड से रवाना हो जाएंगे, जहां पर पुलिस जो मुख्यमंत्री दोपहर 2:15 से 3 बजे तक DLS स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकंडा में जो स्वर्गीय बसंत शर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां से श्रद्धांजलि सभा में कार्यक्रम होकर 3:50 पर बालोद जिले के जो पाटेश्वर धाम है जुंगेरा ग्राम जुंगेरा पहुंचेंगे, जहां पर जो परम पूज्य सह गुरुदेव श्री राम जानकी दास की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद 5:20 पर रायपुर वापस लौट आएंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो योग आयोग का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज 3 दिवसीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज यहां पर 11:00 बजे शहीद स्मारक भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्री और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया उपस्थित रहेंगी और साथ ही उनके साथ कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और जो योग आयोग के अध्यक्ष है श्री शर्मा वह भी उपस्थित रहेंगे। तो एक तरह से आज यहाँ पर जो योग की प्रतियोगिताओं का राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिताओं का आयोजन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।